और बड़ी जानकारी पर नजर डाल देते हैं। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर है जानकारी रायपुर से, हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दो पायलटों की इस हादसे में मौत हुई है। सीएम भूपेश, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने श्रद्धांजलि दी है और बीजेपी कांग्रेस नेताओं ने भी दुख जताया है। तो भीषण हादसा, बड़ी जानकारी आपको बताते, मामले में फिलहाल जांच की मांग की जा रही है। यहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश में तो पायलटों की जान चली गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला और दो पायलटों की जान चली गई, हादसे में दो पायलट की जान गई है और सीएम भूपेश, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने श्रद्धांजलि दी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौरासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस मामले पर फिलहाल क्या अपडेट है? तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम भूपेश और राज्यपाल ने श्रद्धांजलि दी है और इस मामले में लगातार जांच की मांग की जा रही है। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले पर? बिल्कुल, जिस तरीके से कल देर रात यहाँ पर यह हादसा हुआ, दुखद हादसा है क्योंकि जो अगुस्ता 109 है वो काफी सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। ऐसे में कराई जा रही थी और ट्रेनिंग देने के लिए एपी श्रीवास्तव, जो कि हिमालयन एविएशन की तरफ से दिल्ली आए हुए थे, तो वह ट्रेनिंग दे रहे थे। इस दौरान ये प्लेन जो चॉपर है वो क्रैश हो गया, जिसमें दो पायलटों की मौत हो गई, जो गणेश गोपाल कृष्ण पांडा और एपी श्रीवास्तव, दोनों ही पायलटों की एक की मौत तत्काल घटनास्थल पर ही हो गई और दूसरे की मौत इलाज के दौरान हो गई है। तो ऐसे में दुखद घटना है और सभी लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण पांडा जिस तरीके से 8 से 10 साल से यहाँ पर सेवाएं देते आ रहे थे, कई वीवीआईपीस को लेने और छोड़ने वह आते जाते रहते, तो ऐसे में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। वहीं भूपेश बघेल ने दोनों ही पायलटों के निधन पर दुख व्यक्त किया है। चरणदास महन, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। तो एक तरह से एक दुखद घटना पर सभी लोग यहाँ पर संवेदना व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। जी, सामने।